एवरीवन, वेलकम टू डेलिश फूड। आज मैं आपके सामने ब्रेड की कुछ यमी सी स्वीट बनाने जा रही हूँ, जो आपको क्या सबको बहुत पसंद आने वाली है। उसके लिए मुझे, मैं जैसे अपने फोर पीसेस या फोर मेंबर्स के लिए रेडी करने वाली हूँ, तो मैंने केवल फोर ब्रेड के पीस लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स, ये नारियल का बुरादा, इसमें हम थोड़ा शुगर मिक्स कर लेंगे, और ये मिल्क, और ये देसी घी। ओके, आप ड्राई फ्रूट्स में कैश्यू नट्स और जो भी चीजें होती हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पिस्ता, सभी चीजें आप यूज कर सकते हो, बट आज मैंने केवल ऑलमंड्स लिए हैं। अभी मैं इसका जो फर्स्ट प्रोसेस है शुगर सिरप बनाने का, मैंने तो ये पहले बना लिया है, लेकिन आप वन बाउल शुगर, इस तरीके से वन बाउल शुगर में केवल हाफ बाउल चीनी लेकर इसको 10 मिनट्स के लिए अच्छे से बॉयल होने तक गर्म करना है। तो आप गर्म कर लीजिएगा, उससे आपका शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। उसमें एक तार की चाशनी की भी जरूरत नहीं है, बस आपको 15 मिनट्स अच्छे से इसको बॉयल करना है, शुगर और वाटर को, शुगर जितना हो उससे हाफ वाटर। ये मैंने रेडी कर लिया है, अब मैं इसका डो बनाने वाली हूँ। उसके लिए जो ब्रेड पीस है इसको मैंने थोड़ा मिल्क में मैश किया है। पहले मैं इसके पीसेस कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से। उसके लिए मुझे अपने हैंड्स ही यूज करने पड़ेंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको, क्योंकि ये इजीली बाइंड तो हो ही जाता है। अब इसमें एडिंग करना है हमको मिल्क, लाइक दिस, थोड़ा थोड़ा मिल्क मिलाना है, जिससे कि इजीली हम, जैसे हम रेडी करते हैं अपना आटा, डो बनाना है इस तरीके से। बहुत जल्दी बनने वाली स्वीट है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा, जैसे हम लोग चाय टोस्ट वगैरह बनाते हैं वो तो इजीली फैमिलियर हो चुके हैं, बट ये थोड़ा अलग है, जो बनने के बाद पता भी नहीं लगता कि ये ब्रेड से ही बना है, और फ्लेवर तो मुआ बहुत अच्छा बनता है। देखिए, बस मैंने आपसे बात की और ये हमारा तो रेडी हो गया। ओके, अब देखिए, मैंने ये तो रेडी करके इसको प्लेट में ले लिया है कुछ इस तरीके से। अब मैं इसकी छोटी छोटी बॉल बना रही हूँ, जो मैं इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लूंगी। इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने हैंड पर घी ले लेती हूँ, जिससे ये मेरे हैंड पे पेस्टिंग होना, पेस्ट ना। चलिए, इस बीच में फ्राइंग पैन में थोड़ा सा घी डाल के गर्म होने रख दू, जिससे हमारा थोड़ा टाइम भी सेव हो जाएगा, अच्छा जल्दी से बनने वाली है। अब ये देखिए, यहाँ पे जो मैं रोल्स बना रही हूँ इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1, 2, 3, 4। चलो एक और कर लेते हैं इसी में से, कभी किसी का मन करा है। वैसे तो हम फोर मेंबर्स के लिए बनाने वाले हैं, बट किसी को अच्छा लगे तो उसको एक पीस की और नीड हो सकती है। इस तरीके से मैंने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अभी आप देखते रहिए, बस मैं अभी आपके इसको कर रही हूँ, जब तक मैं जरा घी चढ़ा दूँ। चलिए, अब छोटे छोटे इसके ऐसे रोल्स बनाने हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें हम ऐसे हल्का से प्रेस कर देते हैं, इस तरीके से। देखिए, आप रोल्स बना रहे हैं ना गोल गोल, इसे मैं रिंग्स कर लेती हूँ। बस अब ये फ्राई करने के लिए रेडी है। देखिए, 4 ब्रेड में मेरे ये 6 पीस रेडी हो रहे हैं, तो आप अपने मेंबर्स के अकॉर्डिंग इसका मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, बन गए ना 6 रिंग 4 ब्रेड्स में 5 मिनट्स के अंदर। चलिए, अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये जो 6 रिंग्स रेडी किए हैं, अब मैंने घी गर्म कर लिया है। इसमें अगर आप देसी घी यूज करें तो शायद ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्वीट्स में ऑलरेडी उसी में टेस्ट आता है। तो इस तरीके से हम इसको फ्राई करें।
पर अब हम थोड़ा फ्लेम को लो कर रहे हैं, जैसे कि क्रिस्पी क्रिस्पी थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक सिक जाए, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। मैं इसको थोड़ा पलट देती हूँ, बस 5-10 मिनट्स में ऐसे मैं बार बार अल्टा पलटी कर लिए तरीके से, जैसे ही क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे देख सकते हैं। वाओ लुक यम्मी ना, मेरे मुंह तो अभी से पानी आने वाला है। क्या आपके आया खाएगा, क्योंकि आप लोग आज ही मेरी वीडियो देखने के बाद इसको बनाएंगे। ओके, इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स। देखिए हो गए ना क्रिस्पी, कुछ इस तरीके से लाइट ब्राउन होना है। अब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देते हैं और इसको किसी एक प्लेट में ले लेते हैं। इस तरीके से करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेंगे ये। ओके, अब ये देखिए मैंने ये शुगर सिरप जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उसमें मैं इसको लगभग 30-40 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ, जिससे कि ये एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके अंदर तक शुगर सिरप जाकर इसको थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर देगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए हम इसे 30 मिनट्स को हमें छोड़ना ही है। 30 मिनट्स के बाद हम इसको देखते हैं और इसको फिर सर्व करते हैं। देखिए 30 मिनट्स के बाद मैंने इसको शुगर सिरप में से निकाल लिया और फिर इसके ऊपर सिरप भी पोर कर दिया लाइक दिस, पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। आप देख सकते हैं मेरा ये पहले फुल था और ये फिर नारियल का बुरादा, नारियल पाउडर जो था इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है लाइक दिस, इस तरीके से। और जो मैंने ये ऑलमंड्स को चॉप किया हुआ था वो थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं। अब ये स्वीट डिश रेडी है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और प्लीज मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।